हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव माइंड। आज मैं लाई हूँ आपके लिए हेल्थ से जुड़ी हुई कुछ ज़रूरी। आज की वीडियो में मैं आपको 8 पॉइंट बताऊंगी जिसे आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करके अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट लाइफ में हमें घर से ही बाहर रहना पड़ता है, हमें घर का खाना भी नसीब नहीं हो पाता। और अक्सर बच्चे जो स्टूडेंट होते हैं वो ज़्यादातर मेस में ही खाना खाते हैं। जो लोग जॉब करते हैं वह खुद ही खाना बनाते हैं, काफ़ी केयरलेस हो जाते हैं अपनी हेल्थ के लिए, और वही चीज़ उनकी डेली लाइफ को भी अफेक्ट करती है। और आप इस वजह से आप अच्छा भी परफॉर्म नहीं कर पाते, बिकॉज आप हमेशा ही थके हुए से रहते हो। आज मैं लाई हूँ आपके लिए कुछ पॉइंट जिसे आप आज से ही शुरू करें, और इन पॉइंट्स को फॉलो करने से आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप एनर्जेटिक फील करोगे और आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। पॉइंट नंबर 1, आप जब भी सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के बाद द फर्स्ट थिंग यू शुड डू, जो पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए, एक या दो ग्लास आप गुनगुना पानी कर ले, और उसमें आप चाहे तो हनी भी ऐड कर सकते हैं। हनी हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा होता है और हेल्थ के लिए भी, और इससे हमारा मेटाबॉलिज्म भी इम्प्रूव होता है। शहद का पानी पीने से हम काफ़ी हेल्थी रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं वह लेट से उठने के कारण अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं और सीधे स्कूल, कॉलेज या अपनी जॉब पे निकल जाते हैं। ब्रेकफास्ट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, इस वजह से हमें ब्रेकफास्ट कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और आप चाहें तो बाहर से कुछ भी छोटा मोटा खा सकते हैं, लाइक एप्पल, बनाना, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपकी बॉडी के लिए हेल्थी हो। नेक्स्ट पॉइंट, आपको पानी पीना है 2 से 3 लीटर पूरे दिन में। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट इट इज़ अ सिंपल थिंग। यू कैन ड्रिंक 3 or 4 लीटर ऑफ वाटर इन अ डे, उससे आपका मेटाबॉलिज्म भी इम्प्रूव हो जाएगा। और जो स्टूडेंट है जिनको ज़्यादातर एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम रहती है, उनसे ये सब रिमूव हो जाएंगे। ट्राई टू ड्रिंक वाटर एज मच एज यू कैन। एंड नेक्स्ट पॉइंट, जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं जैसे लस्सी, बटर मिल्क, कर्ड, आपको इनका कंजप्शन करना चाहिए। आपको अपनी डाइट में ये सब इंक्लूड करना चाहिए। सारी चीज़ें आपको बैलेंस और हेल्दी डाइट की तरफ ले जाते हैं। इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग जंक फूड, आप ये सारी चीज़ें कंज्यूम करना शुरू कीजिए, आप बहुत ही हेल्दी रहेंगे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट ईट जंक फूड। जो भी आप बाहर की चीज़ें खाते हैं उन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए, या आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। और आपको हमेशा हेल्दी फूड खाना चाहिए, आपको हमेशा हेल्दी फूड प्रेफर करना चाहिए।